नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फ्यूल पंप का हर एक पार्ट के बारे में आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा पार्ट ख़राब हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं, यह फ्यूल पंप का बॉडी है जो ख़राब हो जाता है। अगर घिस जाता है दोस्तों तो तेल का रिसाव होने लगता है, इधर से तेल फेंकने लगता है, फिर इधर से तेल फेंकने लगता है दोस्तों, और नीचे भी तेल का रिसाव होने लगता है जो मोबिल में जाने लगता है दोस्तों। यह छोटा सा एक पिन होता है जो दोस्तों इसमें लगता है, इस छेद में। और दोस्तों, यह जो पिन होता है दोस्तों, यह पंप में इस तरह, यह पंप के इस खांचे में फंसता है दोस्तों, जिससे पंप को घूमने नहीं देता है दोस्तों। अगर यह पिन दोस्तों इधर से दब जाता है, इधर से दब जाता है दोस्तों, तो पंप यह घूम जाता है, जिसके कारण दोस्तों इंजन चालू रहता है और बंद नहीं होता है दोस्तों बंद करने पर। तो दोस्तों, इस पिन को आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बाहर की तरफ दबा नहीं ना है, और दोस्तों इसमें फंसना चाहिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप जब भी पंप खोलें दोस्तों तो इस पर ध्यान दीजिए कि यह पिन जो दोस्तों यह इसमें फंसता है कि नहीं। और दोस्तों, यह गियर है जो यह गियर फ्यूल पंप को घुमाने की कोशिश करता है दोस्तों, घुमाने के काम आता है। तो दोस्तों, यह गियर का दांता जब ख़राब हो जाता है तो इसको हम बदल देते हैं। और दोस्तों, यह गियर लीवर जो है, इसका भी दांता अगर ख़राब हो जाएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं, ये दोनों गियर को पार्ट को दांता ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम आसानी से देख कर बदल सकते हैं। और दोस्तों, यह पंप स्प्रिंग है, यह टूट जाता है तो 2-3 पार्टों में टूट जाता है दोस्तों, तो इसको भी आसानी से देख कर आप बदल सकते हैं। आपको पहले ही एक वीडियो में मैं फ्यूल पंप कस कर दिखा दिया हूँ, तो आप वह भी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। और दोस्तों, यह डिलीवरी वाल स्प्रिंग है दोस्तों, यह अक्सर ख़राब नहीं होता है, यह जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों। और यह है डिलीवरी वाल दोस्तों, अगर डिलीवरी वाल ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि डिलीवरी वाल ख़राब हो जाता है तो इस ऊपर से तेल अपने आप फेंकने लगता है दोस्तों। आप जब इंजन को घुमाइएगा नहीं, फिर भी इसमें से तेल फेंकने लगेगा। तो दोस्तों, आप डिलीवरी वाल इस तरह का तेल फेंके ऊपर से तो डिलीवरी वाल बदल सकते हैं। और दोस्तों, यह भी ख़राब होता है दोस्तों, पंप या फ्यूल पंप है दोस्तों, और यह तेल ऊपर चढ़ाता है, और यह जब ख़राब हो जाता है दोस्तों तो इसमें आपका घिस जाता है यह। और दोस्तों, इसको भी आसानी से देख सकते हैं, और नहीं तो इसको दोस्तों इसमें थोड़ा सा डीजल भर के इसको चेक भी कर सकते हैं। जब डीजल दोस्तों भरेंगे तो हमको यह छेद अपने उंगली से इस तरह बंद करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम डीजल डाल लेते हैं, देखिए दोस्तों हम डीजल डाल लिए इसमें। और दोस्तों, इसको हम पंप को इसमें डाल देंगे, और दोस्तों इसको हम तेज़ी से दबाए रखेंगे। और दोस्तों, देखिए यह प्रेशर बनाता है, तो दोस्तों इससे हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि यह ठीक है या ख़राब है। और जितना ही अच्छा प्रेशर रहता है दोस्तों, तो इसको अच्छा सही माना जाता है। और दोस्तों, इस तरफ से अगर रिसाव होगा तेल का तो इसको ख़राब मानेंगे हम। तो दोस्तों, इसको भी बदल सकते हैं आसानी से देखकर, चेक करके। और दोस्तों, यह वाशर है तो दोस्तों यह नहीं ख़राब होता है, यह भी नहीं दोस्तों ख़राब होता है, यह सब नहीं ख़राब होता है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।